वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ पात्रों को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर श्रम रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार, पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इस योजना को इसलिए नाम दिया गया है ताकि पूरे परिवार की समृद्धि हो सके। जी मुख्यमंत्री, जिस तरह से आज आपके द्वारा कार्ड जो है वितरित किए गए, श्रमिकों का मान बढ़ाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का जो श्रम जयते एक नारा दिया था, उसमें से देश का जो श्रमिक है, श्रमजीवी, श्रम साधक, उसका भी जीवन खुशहाल बने, उस नाते से एक योजना जो बनाई गई है, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जितने भी श्रम साधक हैं, इन सबको, इन सब श्रम योगियों को एक योजना दी गई है कि थोड़ी राशि अपने पास से जमा कराएंगे, बाकी राशि केंद्र सरकार जमा कराएगी, और उसमें 60 साल से ऊपर के होने के बाद इनको सबको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। और हमने इसमें हरियाणा सरकार की ओर से जोड़ते हुए ये जो श्रम साधकों को या श्रम योगियों को जो पैसा जमा कराना है, वो जून के महीने से हरियाणा सरकार की ओर से जमा कराया जाएगा, बल्कि उसके अतिरिक्त भी ऐसे सब परिवारों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष के लिए उनको पात्र बनाया गया है कि उसके योजनाएं जो हैं वो सारी, बहुत सी योजनाएं हैं, बीमा की योजनाएं हैं, कुछ SIP की योजनाएं हैं, कुछ नगद राशि भी वो निकाल सकते हैं। वैसे हर परिवार 6,000 रुपया साल का उनको एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाए।